अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है मैं 3-4 दिन का व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बीच में छोटे छोटे क्लिप्स होंगे तो आप लोग देखते जाएंगे एंड में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। उससे पहले थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। माई फेस रिवील वॉज लाइक ड्यू था बहुत ज़माने से, और मुझे सबसे ज़्यादा शायद कॉमेंट्स ही मेरे इस एक व्लॉग पर आए हैं। पता नहीं कितने 700 क्रॉस कर गए, और मेरे लिए पॉसिबल समटाइम्स नहीं होता सबको जवाब देना। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। आई एम सो ऑनर्ड, सीरियसली आई एम सो ऑनर्ड कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्रॉस्ड 1,20,000 सब्सक्राइबर्स। ये सब आप लोगों का प्यार है जो मुझे मिलता है, मुझे बहुत एनर्जीज मिलती हैं। तो खैर, आज कुछ दिन पहले मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था एंड वो मेरा इंस्टाग्राम पे DM आया था। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग बोलते हैं मैंने आपको DM किया, आपने जवाब नहीं दिया, सिर्फ हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे अगर ये भेजेंगे ना तो प्लीज़ मुझे मैं फिर ऐसे DMs को जवाब नहीं देती, क्योंकि मेरे पास हेलो हाय करने के लिए समटाइम्स टाइम नहीं होता। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होता है प्रॉपरली लिख दिया करें एंड जब मैं फारिग होती हूँ तो मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। कुछ दिन पहले मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था। शी वॉज क्राइंग, शी वॉज सो अपसेट एंड शी वॉज फीलिंग वेरी लो। तो मैं आज आपके साथ उनका मसला तो नहीं शेयर करूँगी क्योंकि वो दैट वॉज वेरी पर्सनल। जिन उससे जो चीज़ें मैंने मतलब बीच में से मैंने पॉइंट्स निकाले वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो शायद हर एक ही गलतियां करता है। तो आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ स्टॉप डूइंग दिस। जब आप ये पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इनको वहीं फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और आप लोग जो गलतियाँ करते हैं ना वो अगर आप रिपीट ना करें तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी इतना रोए ना, इतना पछताए ना, ये ना सोचें कि इतने साल गुजर गए। आप यहीं फुल स्टॉप लगाएंगे, यहीं से आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टॉप बैगिंग पीपल टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि मेरी जो वो सब्सक्राइबर है शी इज़ अनमैरिड गर्ल एंड शी वॉज हैविंग अफेयर विद समवन एंड शी हैड मतलब उनका अफेयर था और फिर वो बड़ी अपसेट रही हैं और शी वॉज लाइक आई एम बेगिंग हिम बट वो मुझे जो है ना घास ही नहीं डाल रहे और ये वो। देखिए मैंने उनको एक बात बताई कि क्या ज़रूरत पड़ी है किसी के पीछे, मीन्स बैग करना होता है फ़कीरों की तरह मांगना। जब एक बंदा आपको टाइम नहीं दे रहा, आप उससे ये उम्मीदें लगा के बैठी हैं कि मुझसे शादी करेगा, जो शादी से पहले आपको इतना बुरा ट्रीट करा रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग जो शादी से पहले आपको इतना बुरा ट्रीट करा रहा है, तो शादी के बाद क्या करेगा? तो आपको तो अल्लाह ताला ने एक जो है ना क्लियर विजन दिखा दिया कि एक बंदा आपको इतना बुरा ट्रीट कर रहा है, आपको अभी टाइम नहीं दे रहा, आपकी बेइज्जती करता है, आपके खानदान तक पहुंच जाता है, आपको इतना नीचे फील कराता है, तो ये अब भी ये कर रहा है तो शादी के बाद तो आपके साथ वो करेगा जो आपने कभी ज़िंदगी में वहमो गुमान नहीं आया होगा। और ये अगर इफ दिस इज लव टू द हेल विद दिस लव, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट अगर ये मोहब्बत है आपकी तरफ से है ना तो वो तो आपको बेइज्जत किया जा रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप बेइज्जत हो रही हैं, आप दूसरे को मौका दे रही हैं कि वो आपको बेइज्जत करे। तो प्लीज़ अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसे लोगों को यहीं स्टॉप कर दें, ऐसे लोगों के साथ आप अपना रिश्ता यहीं ख़त्म कर दें जो आपको अब भी बेइज्जत कर रहा है, वो बाद में क्या क्या करेगा। शादी के बाद तो बीवियों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो हस्बैंड्स पूरे नहीं कर पाते, तो जब वो नहीं कर पाते तो वो ऑलरेडी इतना दुखी होती हैं, आप तो शादी के पहले ही इतने दुखी हो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ अगर आप अपने पर रहम खाना चाहती हैं तो आप अपने दिल को समझा लें और ऐसे फजूल किस्म के रिश्तों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है जो आपको अभी 2% की इज्जत नहीं दे रहा, वो कभी ज़िंदगी में आपको इज्जत नहीं देगा। तो आप इसको फुल स्टॉप करें, एक आध महीना ब्रोएंगी, 2-4 दिन बाद आप ठीक हो जाएंगी और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर देंगी। तो ऐसे लोगों को जो आपको बेइज्जत करते हैं या ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको मतलब ये अब देख लेना क्या हाल है, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप सिंगल रह लें, ना कि आप किसी ऐसे बंदे के पीछे भागें जो आपको आप उसको बैग कर रही हैं कि जी बी विद मी। नेक्स्ट इज स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जीज ऑन टॉक्सिक पीपल। वो टॉक्सिक पीपल कोई भी हो सकते हैं, ये तो ये रिलेशनशिप है, इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में आसपास बहुत से टॉक्सिक लोग होते हैं जो आते जाते आप पर टॉन्ट करते हैं। जैसे एक और मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि
मेरी जो देवरानी और जिठानी हैं, इनकी बेटियां हैं और उनके जो है वो बेटे हैं, और वो इनको टॉन्ट करती रहती हैं। तो ऐसे लोगों पे, ऐसे टॉक्सिक लोगों पे अपनी एनर्जीज मत वेस्ट करें, उनके साथ ऐसे टर्म्स मत रखें, बस दूर दूर से सलाम दुआ रखें। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप उनसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, आप अपनी एक बाउंड्री डिफाइंड कर लें कि बस मैंने इससे बढ़ के उनके साथ नहीं रखनी, मेरे लिए मेरा मेंटल सुकून जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जो कि बहुत टॉक्सिक होते, जहरीले, टॉक्सिक जहरीले लोग होते हैं बहुत शदीद, मैंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में भुगते हुए हैं, तो मुझे होता है कि ऐसे लोगों से जो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, मैं उनसे ना मीलो दूर भाग जाती हूँ। अब मुझे होता है कि मेरी सेहत मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ना कि मैं ऐसे लोगों को आगे पीछे होती रहूँ या उनसे उनके उनका ख्याल रखूँ। बस सही है, मेरे लिए मेरी सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरा मेंटल सुकून सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जीज नहीं वेस्ट कर सकती। क्योंकि वो जब आपको कोई ऐसा टॉन्ट मारते हैं या ऐसा कोई तंज करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं उड़ने में। तो जब आप उनसे इतना इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके साथ आना जाना बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आप उतना ही कम पड़ेंगे। तो अपनी जो एनर्जीज है ना, वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर आए, ना कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ। नेक्स्ट इज स्टॉप ट्राइंग टू चेंज पीपल हु हर्ट यू। जैसे मैंने इनको यही बताया कि जो लोग जैसे आपको टगा के वो हर्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़ कि आप ये सोचें कि नहीं जी शादी के बाद ये ठीक हो जाएंगे। तो आप ऐसे लोगों को चेंज नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं होता, ये रियलिटी है। वो कहते हैं ना, स्नेक कैन चेंज इट्स स्किन बट नॉट इट्स हैबिट्स। वो जो उसकी नेचर बनी हुई है वो वैसी होगी। लोग अपना लबादा चेंज कर सकते हैं, अपनी नेचर नहीं चेंज कर सकते। तो लोगों को चेंज करना छोड़ दें, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। लोगों को चेंज करना आपके बस की बात नहीं है, उनको एक नेचर मिली हुई है इनहेरिटेड अल्लाह की तरफ से, वो आप चेंज नहीं कर सकते। सो प्लीज़ अपने आप पे फोकस करें, अपनी सेहत पे फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, ना कि ऐसे लोगों पे जिनको आप सोच रहे हैं कि अच्छा जी मैं इनको चेंज कर लूँगी, तो जी आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर समवन एल्सेस मिस्टेक। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब उनको बता रही थी, तो वो ना डिफेंड कर रही थी बहुत ज़्यादा उस लड़के को कि जी नहीं वो ठीक हो जाएगा। और वो फिर मैंने उनसे कहा, आप क्यों अपोलोजाइज कर रही हैं, फिर क्यों सॉरी बोल रही हैं उनके लिए, क्यों? आपने थोड़ी ख़ता की है, वो आपको बैडली ट्रीट कर रहा है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप किसी के लिए सॉरी बोल रही हैं? ये औरतों की आदत होती है, अगर उनके हस्बैंड भी कोई चीज़ गलत करते हैं ना, तो वो उनकी उनको डिफेंड करने के लिए, जैसे किसी और ने मुझे मैसेज किया था एंड शी सेड कि हर हस्बैंड इज़ ड्रिंकिंग, और वो हर रात को ड्रिंक करके बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं, एंड देन शी वॉज गिविंग मी द एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज अब्यूजिव नेचर कि वो इस तरह हुआ था उनकी फैमिली में। मैंने उनको इतना समझाया कि देखें आप क्यों किसी के, मुझे था कि वाई आर यू सॉरी फॉर हिज नेचर, आप तो उनको नहीं बनाया, आप तो नहीं है किसी के खता की जो है ना वो जिम्मेदार। एक बंदा जब शुरू से ड्रिंक कर रहा है, ये देखिए इस तरह के मैं आप लोगों के साथ आज मैटर्स, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स थे तो मुझे था कि मैं यहीं पर बात करूंगी, एक ही तरह के थे तो मैं इसलिए एक ही टॉपिक पे बात कर रही हूँ, अलग अलग नहीं कर रही। सो द थिंग इज कि आप किसी की खता के जिम्मेदार नहीं हैं, वो जो करते हैं आप वो करने दें। आपने किसी के लिए ना अपोलोजाइज नहीं करना, आप किसी के लिए सॉरी नहीं बोलेंगे, वो उनकी नेचर है, वो खुद दूसरों को सॉरी बोलते रहे, आपका काम लोगों को सॉरी बोलना नहीं है उनकी जगह। नेक्स्ट इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब है एनीथिंग, ना किसी से कोई अच्छे की उम्मीद रखा करें, ना किसी से बुरे की उम्मीद रखा करें, बिल्कुल न्यूट्रल रहा करें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी आपका आप ठीक रहें, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आई वॉज अ पर्सन जो बहुत एकदम मतलब मैं गुस्से में आने वाले लोगों में आती थी। ये सारे मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करी, मुझे एकदम गुस्सा आ जाता था। एंड मेरी अम्मी मुझे एक बात बोलती थी कि देखो बेटा, कल आपकी सेहत को कुछ होगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप सफ़र करोगे। आज मुझे हेल्थ इश्यूज हैं, और अब मैं कहती हूँ कि नहीं, अब चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ जाती है ना, मैंने उनको बिल्कुल भी इतनी वेटेज नहीं देनी कि मैं उनके लिए अपने आप को स्ट्रेस में डालूं। कोई बंदा इतना इम्पॉर्टेंट है ही नहीं
कि जिसके लिए मैं अपने आप को स्ट्रेस में डालूं। मेरी ज़िंदगी है, उसको मुझे अपने तरीके से गुजारना है, मुझे खुश रह के गुजारना है। तो वही बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया करें। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत दूर की बात है, बस अपने, कहते ना पश्तों में कहते हैं जानजानी, जानजानी का मतलब होता है कि बस अपने लिए सोचे, सेल्फिश, बी अ सेल्फिश पर्सन। क्योंकि कल स्ट्रेस ले लेके आपको कुछ हो जाता है ना, तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पश्तों में, उर्दू में कहते हैं ना, चिकने गड़े जब तक आप नहीं बनेंगे ना, आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दें। कोई बंदा आपकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं गुजर सकता या पूरा नहीं उतर सकता, क्योंकि इंसान की ह्यूमन नेचर है ना। आप बहुत किसी से मिलते हैं तो आपको पता, अच्छा अब ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, या जैसे नॉर्मल गर्ल्स है, मेरी खैर जो चैनल है वो 18 ईयर्स से, यू कैन से मोर देन 60 ईयर्स की खवातीन देखती हैं। तो मैं, आप जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मैं उनको ही बहुत बहुत बताती हूँ कि कोई भी प्रिंस चार्मिंग नहीं होता। बस नेचुरल न्यूट्रल रहे, अपने पेरेंट्स की बात माने, क्योंकि आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी ज़िंदगी में। उन्होंने आपको पैदा किया है, उन्होंने आपको बड़ा किया, उन्होंने आपकी तरबियत की है। तो किसी के लिए ना, तो किसी, अपने पेरेंट्स का सर नीचे करें, क्योंकि आपके पेरेंट्स से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आपकी माँ, आपका बाप, आपके बाप की इज्जत, ठीक है। बाकी लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अगर उन्होंने रहना होगा वो रह लेंगे, नहीं होगा नहीं रहेंगे। अगर अल्लाह ने उनको आपकी किस्मत में रखा है तो वो मिलेगा, नहीं रखा तो नहीं मिलेगा। अपने आप को इतना डिग्रेड मत करें किसी के लिए। नेक्स्ट इज स्टॉप सेटलिंग फॉर लेस। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, बट आप इतने प्यार मोहब्बत में अंधे हो गए कि आपको तो ठीक है, मैं ये कर लूँगी, मैं फलां कर लूँगी उसके लिए। अपने आप को इतना लोअर लेवल पे मत लेकर। अब एक मैं नॉर्मल बात करती हूँ, जैसे आपने फ़र्ज़ कर ले, मैं इसकी मिसाल ये दे रही हूँ, आप PhD हैं, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, या डॉक्टर हैं, आपने जो है ना गायनी का प्रॉपरली पूरा किया हुआ है, तो क्या आप किसी जगह जा के 10,000 रुपये की नौकरी करेंगे? क्योंकि आपको है कि मैं सेटल हो जाऊँगी या लेस पे आ जाऊँ, खैर कोई बात नहीं। आप अपनी काबिलियत के मुताबिक करेंगे ना अपनी लाइफ को गुजारेंगी। कभी भी सेटल मत हो फॉर लेस। अपने आप के स्टैंडर्ड्स रखें, अपनी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स रखें कि ये मेरी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड है और मैंने इसको इतना लोअर लेवल पे नहीं लेकर आना कि मुझे कोई भी रौंद के चला जाए या मुझे कोई भी कुछ बोल दे। आप कहीं जॉब भी करने जाते हैं ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो जब जॉब कर रहे होते हैं ना, तो उधर भी आपसे पहले पूछा जाता है कि आप कितने पे लेंगी, तो आप अपना पे स्केल बताती हैं। जैसे मैं नॉर्मल बात करती हूँ, आई वेंट टू बीकन हाउस एंड आई स्टिल रिमेंबर, आज से बहुत पुरानी बात है, मतलब 2007 की बात होगी, आई थिंक, हाँ 2017 मैं गई थी बीकन हाउस और मैं वहाँ पर जॉब करने गई थी। एंड दे टोल्ड मी कि उस वक्त तो खैर पे स्केल इतनी होती थी, 45-50 के अराउंड होती थी, बट दे सेड कि वी विल गिव यू 40,000 एंड आई टोल्ड हर नो, आई विल टेक 50,000 रुपीज। मुझे पता था कि आई एम अ गुड टीचर, आई एम केपेबल ऑफ दिस थिंग, मैं क्यों अपनी जो है ना स्केल को नीचे लेकर आऊँ। दे सेड ओके वी विल कॉल यू, आई सेड ओके एंड मैं उठी हूँ, मैं चली जाने लगी तो चीज़ें ओके ओके फाइन, हम आपको 50,000 देंगे। थिंग इज कि अगर मैं उस वक्त ये शो करती कि ठीक है फाइन, आप मुझे ये इतने ही दे दें, क्यों? क्योंकि आई नो माई एबिलिटीज, आई नो आई एम अ गुड टीचर, आई नो उनको हिस्ट्री के लिए टीचर चाहिए थी, तो वेन आई नो माई एबिलिटीज, तो मैं क्यों अपने आप को इतना वर्कलोड इतने कम पैसों पे करूं? तो ये बताने का मकसद ये है कि अपने आप को ना लोअर स्टैंडर्ड्स पे जाके फिक्स मत करें। नेक्स्ट इज स्टॉप ओवर कमिटिंग। मतलब जब आप उतना काम करें जितना आपको लगता है कि हाँ मैं इधर तक कर सकती हूँ, इतनी कमिटमेंट मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं कर सकती। अपने आप जब बाउंड्री बना लेते हैं ना, जैसे आप पे एक वर्कलोड डाला जा रहा है, चाहे वो घर का काम है या चाहे वो बाहर का काम है या चाहे वो स्कूल में जॉब का काम है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल कोई औरत हैं या आप अपने घर में हैं, तो अपने आप को इतना ओवर जो है ना लोड मत करें। ये जी घर के काम किए जा रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, अपने घर को भी देख रही हैं, अपने हस्बैंड को भी देख रही हैं और बाहर भी भाग भाग के कर रही हैं, नहीं, अपने आप को देखें कि मैं इस
इससे ज्यादा काम कर सकती हूँ, इतनी हिम्मत है मुझ में कि मैं कर लूंगी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं जितना मुझ पे उतना बोझ डालें अपने आप पे जितना आप उसको कर सकती हैं, ठीक है। सो आई होप ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी और भी पॉइंट्स हैं बट आई थिंक वीडियो इज गोइंग वेरी लॉन्ग। आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्लीज ये मत करें जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अपने आप पे रहम खा लें। खैर अब आते हैं व्लॉग की तरफ। जो आपने शुरू में देखा वो क्लिप में बारिश हो रही थी, एक ही दिन बीच में बारिश हुई तो हम चले गए थे टेक्सला और वहाँ पर बहुत प्यारी एक जगह है जहाँ पर आपको वहाँ पर खंडरात नज़र आते हैं और मैंने बुद्धा के कुछ यहाँ वहाँ चीज़ें भी ली वहाँ से, फिर मैंने कप्स वगैरह लिए, फिर मैंने जो है वो चकला बेलन लिया जिसमें चपाती बनाते हैं और उसके बाद जो है फिर मेरी स्किन केयर का कुछ सामान मैंने मंगवाया हुआ था और सफाइयाँ शफाइयाँ घर की चल रही हैं, यूनो गर्मियाँ आ गई हैं तो आपको करना पड़ता है सब कुछ। और दूसरा ये है कि हमने टीवी और एसी वगैरह लिया हुआ है तो वो जो है ना आज मेरा टीवी लग रहा था क्योंकि हमें था कि दो टीवियाँ हमें चाहिए, एक लाउंज के लिए और एक मेरे बेडरूम के लिए। वैसे मैं बेडरूम के टीवी के लिए बिल्कुल भी उसके जो है ना उसमें मुझे पसंद नहीं है कि बेडरूम में टीवी हो, बट आगे गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं और बाहर इतनी गर्मी होती है मेरे लाउंज में, सो मेरी कोशिश होती है कि लाउंज में जो है ना हम फिर ना बैठें, अगर गर्मी है तो बच्चे अगर एंटरटेन होने हैं तो बेडरूम में चले जाएँ। That was the main purpose. तो ये टी वी वगैरह मैंने लिया था और दूसरा ये कि मैंने स्किन केयर की कुछ मेरा टोनर ख़त्म था वो मंगवाया था और कुछ मैंने अपने मतलब सेरम्स वगैरह मंगवाए थे, वो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के साथ अपने शॉपिंग व्लॉग में जो है वो शेयर कर लूँगी कि क्या क्या मैंने मंगवाया था। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।